फाइनली हमारी बस जो है ना वो आ गई है। जुनेद, ये बस आपको क्या लग रही है? दुश्मन। क्यों यार, इतनी अच्छी बस तो है। पर नहीं यार, बाहर से अच्छी लगती है, अंदर जाके देखो मौत है। नहीं, आप लोगों ने बड़ी तैयारी श्यारी मॉडलिंग पे जा रहे हो कहीं? असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स डाली थी और उसमें बोला था कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया, तो आज हम फाइनली इस्लामाबाद जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी में सारा कुछ किया है और जल्दी में ही व्लॉग को स्टार्ट भी कर रहे हैं। अभी बस 55 मिनट हो गए हैं और 10 बजे हमारी गाड़ी जो है ना वो निकलनी है फाजलपुर से इस्लामाबाद के लिए। तो अड्डे पे हम मिलते हैं आप। फ्रेंड्स, अड्डे पे हम आ गए हैं और मैं आपको बताऊं कि जो टिकट्स है ना वो हमने कल ही ले ली थी। टिकट्स का यूं हुआ कि वैसे तो बस जो है ना वो रात को जाती है मतलब 7-8 बजे और सुबह उधर 8:30 बजे पहुँच जाती है, लेकिन हमें बाई चांस टिकट्स मिली हैं सुबह की, क्योंकि फॉग है आजकल, धुंध की वजह से बसेज जो है ना वो डे टाइम में जा रही हैं। मेरा भी इरादा था कि सुबह सुबह ही चलें, मतलब इधर उधर माहौल देखता जा रहा है, रात को पता नहीं चलता, मैं सोया रहता है। फाइनली हमारी बस जो है ना वो आ गई है और अभी हम यहाँ से फाजलपुर से निकलने लगे हैं। टाइम हो गया कि 10:30 बजे, 10 बजे का इन्होंने बोला था, इन्होंने थोड़ी लेट कर दी है। मैं आपको बताऊं कि फैसलपुर में मैंने पहले काफ़ी दफ़ा सफ़र किया हुआ है इस बस के अंदर और इसका अच्छी बस है और कंफर्टेबल भी है। सीटें इसकी आज हमें कुछ तंग लग रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, भाई साहब ने कुछ ज़्यादा ही पीछे शायद की हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक इसमें LCD दी हुई है इन्होंने और इसके अंदर मूवीज़ और कुछ जो भी आप देखना चाहें, कॉमेडी सॉन्ग, इस तरह की ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा ये वाला भी है कप होल्डर और यहाँ पे रखने के लिए कोई भी आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और ये भी दिया हुआ है इन्होंने। और अगर बाहर का व्यू देखना हो तो बाहर का व्यू भी देख सकते हैं। तो हम बाहर का व्यू अभी तो कुछ खास नहीं, हमारा इलाका ही है ये, तो हमने आपको पहले काफ़ी दफ़ा दिखाया हुआ है और हम मोटरवे पर जब जाएँगे तो वहाँ भी आपको दिखाएँगे। और जुनेद, आपको यार कम्फर्टेबल लग रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। वैसे आप यार, पहले तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं जब लाहौर पढ़ता था तो हम जाते थे न्यू खान पे। अच्छा अच्छा। तो उस पर ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, तो मैं सोच रहा था शायद उस तरह की बात होगी, क्योंकि मैं फैसल मुरा पे पहली दवाई बैठ रहा हूँ। बस जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली है और मैं इस वक्त पीछे वाली सीट पे आके बैठ गया हूँ। जुनेद जो है ना वो आगे हमारे वाली सीट पे बैठा है और सवारियाँ कुछ आगे बैठी हैं, बाकी पीछे आप देख सकते हैं सारी की सारी बस जो है ना वो खाली है। अच्छा तो फ्रेंड्स, बस में पीछे आया था थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने के लिए, तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। जुनेद मुझे बोर हो रहा होगा, उससे पूछता हूँ कि सुनाओ, उसने क्योंकि जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया था। सुनाओ जी, कैसा जा रहा है सफ़र? फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो आगे चल के देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, हमारी जो बस ठहरी है ना उधर वाली, उसका हो गया था क्लच ख़राब, उसका मसला हो गया कोई। तो अभी इस वक्त हम मुल्तान पहुँच गए हैं और हम बस चेंज करने लगे हैं। अभी हम ये बस चेंज करके फिर मुल्तान अड्डे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी लेते हैं और फिर आगे इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। मुल्तान तो आ गए हैं, लेकिन टैबलेट खाई है आपने? टैबलेट खाई है, तबीयत ख़राब हो गई थी। टैबलेट किस चीज़ की खाई है? गाय आने की, उल्टी नहीं आएगी आप? अच्छा। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी, पहले तो ठीक था, सही है, लेकिन जब मुल्तान पहुंचने वाले थे जरा तबीयत खराब हो गई थी। अभी आगे भी जाके स्टे करेगा। हाँ। मोटरवे के ऊपर ना कलर घर। हाँ। Thank you.
फाइनली ना एक जगह पे बस ने स्टॉप किया है मोटरवे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अभी जो है ना सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है, एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि बस ख़राब हो गई थी तो थोड़ी स्लो स्पीड में थी मुल्तान तक, वहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है। अभी यहाँ से खाने के लिए हम कुछ देख रहे हैं आओ यार जुने चलें, बस वाला निकल ना जाए, इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ। मेरे ख्याल में चाय बेस्ट है, आपको मिल गई है। हाँ चाय अच्छी होती है, थकावट भी बहुत हुई हुई है। हाँ लेकिन ठीक हो जाएगा, आई होप के तबीयत इससे कुछ बेटर होगी। मैंने हाँ। तो फ्रेंड्स अपने लिए एक बर्गर उठा लिया जल्दी में और टिन पैक लिया है, और इसने अपने लिए चाय ले ली है। तो अभी हम इधर ही सामने कहीं बैठ के खाते हैं, सामने हमारी बस ठहरी है तो बस का भी यार वैसे जाते तो नहीं है ये लोग, छोड़ के नहीं जाते, फिर भी ख्याल करना चाहिए। जुनेद ये बस आपको क्या लग रही है, दुश्मन? क्यों यार इतनी अच्छी बस तो है। पर नहीं यार बाहर से अच्छी लगती है, अंदर जाके देखो मौत है। कैद है, कैद। अच्छा हाँ। दिल करता है बग जितना सफर रहता है 120 किलोमीटर रहता है तो दिल तो करता है पैदल ही चले जाए, पैदल ही चले जाए। यार पहले वाली बस अच्छी हाँ। थी है ना? नहीं नहीं ये उससे अच्छी वाली यार, ये खूबसूरत है लेकिन खुली नहीं है इतनी। इससे आगे सियालकोट सिटी के सियाल मोड़ पे हम ठहरे हैं और सफ़र तकरीबन भाई बता रहे थे कि कोई 120 किलोमीटर रह गया है, तो बस थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है ना वो रावलपिंडी पहुंच गए हैं, और इस वक्त जो है ना वो दोस्त मेरा आया हुआ है, वो शायद दूसरी तरफ ठहरा हुआ था, फैसल मोड़ का ये नया डाइसर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, क्या हाल है, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ गए हो, वहाँ से इधर आने में इतना टाइम लग गया। दरअसल हम चाहते थे थोड़ा सा इंतजार करें ना। अस्सलाम वालेकुम वाली भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू इस्लामाबाद। जुनेद भाई कैसा रहा आपका? जुनेद भाई दूसरा है। जुनेद भाई हल्का होने गया हुआ है, इतनी बदनी हो गया था, इतने थोड़ा सा तो रास्ता था, उसकी तबीयत खराब हो गई। नहीं आप लोगों ने बड़ी तैयारी शारी मॉडलिंग पे जा रहे हो कहीं? एक्चुअली हम पहली तरह यूट्यूब पे आ रहे हैं। ठीक है वैस का ब्लॉग कैसे लगा, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है आपको जुनेद भाई से मिलाते हैं, हाल हवाल दिखाते हैं आपको। फोरम ना पूछो, कोई फोरम है जी। ये तो ठीक है लेकिन सफर बहुत गंदा था। क्या वजह? 12 घंटे लग गए, 10 के बाद यार भाई यार आएंगे 2-3 साल बाद। चलो शुरू करो यार, ज्यादा हो गया ऐसा बना हुआ है, सुपर है। जुनेद भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे, सब अच्छा लगा है? खाना कैसा था आपको? अच्छा, खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा गाइज हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में आएँ आप फूड स्ट्रीट में लाजमी आएँ, ठीक है? क्योंकि जुनेद भाई स्पेशल वहाँ से आए हैं और इन्हें खाना बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है ओके, मिलते रहेंगे आपसे। अच्छा तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो हम यहाँ पे एंड करने लगे हैं, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।